हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज साइंकित त्रिपाठी और आ गए हम एक और नए ब्लॉग के साथ में। ये ब्लॉग है भरूच स्तूप का, जो कि सतना से 20 किलोमीटर है। तो वीडियो में अगर आप अभी नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, इस प्लेस से जुड़ी सभी तरह की इन्फॉर्मेशन जो है आपको ब्लॉग में ही पता चलेंगी। तो गाइज ब्लॉग में बने रहें, चलिए चलते हैं। तो ये रूट जो है गाइज वो मैहर रूट में ही पड़ता है भरूच स्तूप, जो कि एक हिस्टोरिकल प्लेस है जहां पे हम लोग आज जा रहे हैं। यहां से भरूच ऊपर शो हो रहा होगा आपको, तो आपको यहां से लेफ्ट टर्न लेना है। ये बौद्ध स्तूप है अविनाश जी, मैहर से जुड़ा हुआ नहीं, मैहर रूट में है सिर्फ। तो अविनाश जी, आपको भी इस प्लेस की जानकारी नहीं थी ना, तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको आगे बताएंगे हम कि कब ये स्थापित हुआ था। पूरी डिटेल आपको सारी वहां पे बताई जाएगी। पहली बार आया हूं ना। पहली बार आए हैं, चलो अच्छा, एंजॉय करेंगे आप भी। क्या हिस्टोरिकल प्लेसेस में जाना बहुत अच्छा लगता है पता है, मतलब कुछ यूनिक है, पुराना है, उस चीज के बारे में हमें जानना चाहिए कि अपने नियर बाय है कुछ। यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे बौद्ध स्थल भरूच 0.50 किलोमीटर। राइट टर्न लेना है यहाँ से अविनाश जी, और स्ट्रेट चलना है आपको। काफी यूनिक लिखा है यहाँ पे ना। आ चुके हैं भरूच स्तूप, जो कि हमारे सतना जिले में स्थित है। एक टूरिस्ट प्लेस है, जैसा कि आप देख रहे होंगे, एक टूरिस्ट प्लेस है। और ये यहाँ पे बौद्ध स्तूप था। तो अंकल, आप कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे यहाँ के बारे में? भेजेंगे, जो जानकारियाँ हैं तो देंगे। हाँ, तो पूरी इन्फॉर्मेशन अगर आप बता सके तो। वैसे मैंने जहाँ तक मैं जानता हूँ कि यहाँ कलाकृतियों के लिए बहुत फेमस है ये प्लेस। जी, है ना, जो बौद्ध की कलाकृतियाँ यहाँ पे बनी थी उनके लिए बहुत फेमस है ये। और इसका निर्माण भी विश्वामित्र सुंग द्वारा सन 185 ईसा पूर्व में किया गया था। जी हाँ, बिल्कुल सही है ना, के बाद ही पता लगाया गया था ना, 185 ईसा पूर्व। इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी पूरी दी गई है ना। तो ये विश्वामित्र जी सुंग जी थे, सुंग वंश के स्थापक थे वो, है ना। और इसका पता सबसे पहले कनिंगम ने लगाया था ना, श्री कनिंगम जो है उन्हें लगाया था 1873 में। 73 में ईस्वी में लगाया, 1873 ईस्वी में लगाया था। तो गाइस, भरूच का स्तूप जो है अपने समय के समाज का दर्पण भी कहा जाता है, सबसे बहुमहान, बहुत महान दर्पण भी कहा जाता है ना। शासक ने नष्ट किया था इस प्लेस को, है ना। नष्ट वही किए। और जो मूर्तियां हैं, जो बताया आपने, कौन कनिंगम ले गए थे? ओके, जो बची कुछ ही मूर्तियां थी वो राजा कनिंगम जो थे वो ले गए हैं। कुछ नहीं, यहाँ जो कुछ है सब यही टीला है, मतलब यही स्तूप बचा है पूरा, है ना। बाकी पूरी जो स्पेशल जो बौद्ध की स्थल थे यहाँ पे, सब यहाँ से ले जाए गए हैं। भटनवारा अभी हम लास्ट व्यू, आपने जो ब्लॉग देखा होगा वो भटनवारा प्लेस का लास्ट सेकेंड होगा, यही की मूर्ति है वो। अच्छा, तो वो यहाँ माता की मूर्ति जो है वो भटनवारा पहुँच गई यहाँ से। कोई ले गए, ले जाते थे, और उनका वाहन वहाँ पंचर हो गया नदी पे। तो वहीं पे छोड़ के चले गए थे ना, छोड़ के चले गए राजा, वहाँ पे मंदिर बनवा के स्थापित करवा। अच्छा, सब चीज मतलब तत्व जुड़े हुए, पूरे जुड़े हुए तत्व है ना।
जैसे यहाँ की देखेंगे मूर्ति इलाहाबाद संग्रहालय में है। यहाँ की मूर्ति इलाहाबाद संग्रहालय में भी है? हाँ। तो गाइज यहाँ की मूर्ति जो है वो इलाहाबाद संग्रहालय में भी है जैसा बताया जाता है, बौद्ध की, गौतम बौद्ध की है ना। और रामबन में देखे, रामबन विश्व, रामबन में भी, हाँ 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 रामबन में भी है। और देखेंगे फिर कलकत्ता म्यूजियम में, तो इसका गेट सहित रखा, कलकत्ता म्यूजियम में पूरी पूरा मतलब रखा हुआ, पूरी मूर्ति है, ये मूर्ति यहीं की, तो यही मूर्ति अब बची है ना, ये बजरंगबली की मूर्ति है। हाँ बजरंगबली सबको ही मानते हैं, ये मकरहा बाबा के नाम से जानी जाती है। मकरहा बाबा, अच्छा ये एरिया मकरहा बाबा के नाम से जाना जाता। अच्छा ये पूरे एरिया ही जाना जाता है, मतलब यहाँ पे जो बौद्ध की जितनी भी मूर्तियाँ थी वो सब जा चुकी हैं, सब ले गए बाहर, सब बाहर जा चुकी हैं। और ये क्या चीजें, यह स्तूप है निकला है 1992 में इसकी खुदाई हुई थी, ये स्तूप था, तो यहाँ से स्तूप यहाँ से भी ले जाया गया है ना। 1992 में कलेक्टर ने खुदाई किया, पूरा जागरूक हुआ, अच्छा शासन सेंट्रल गवर्नमेंट ले ली अपने अंडर में, इसकी बाउंड्रेशन बाड़ी करवाई, यहाँ कर्मचारी अधिकारी रखे। हाँ हाँ मतलब जो पत्थर हाँ। है ऊपर तो वहाँ पे लिखा हुआ, लिखावट है वहाँ पे ना, लिखावट, और जो कलाकृतियाँ थी वो यहाँ से जा चुकी हैं पूरी तरह से, विलुप्त हो चुकी, यानी यहाँ से चोरी की गई है ना, पूरी तरह से चोरी कर ली गई है। अच्छा और चक्र वे पड़े हैं वहाँ जहाँ मेन स्तूप एक और था, हाँ ऊपर ही, तो वहाँ चक्र पे टुकड़े पड़े हुए हैं, चक्र के टुकड़े जो राजा लोगों द्वारा चक्र चलाए जाते थे, चलाए जाते थे उनके टुकड़े पड़े। अच्छा अशोक चक्र, धम्र चक्र, अशोक चक्र और धम्र चक्र। ताया पहाड़ के पीछे एक गुफा भी है, और पानी का कैसा बताया आपने पहाड़ में, पानी अंदर है उस गुफा के अंदर, गुफा के ये पूरा मतलब पहाड़ के अंदर जो गुफा है उसके अंदर पानी है। उसके अंदर पानी है, गुफा के अंदर पानी है। अच्छा जाने में वहाँ जा नहीं सकते, मतलब जाने लायक नहीं है जगह, जाते हैं पर जब व्यवस्था करें लाइट की, तो पूरी व्यवस्था के साथ जाने लायक है, बाकी ऐसा नहीं है, जानवर वगैरह भी रहते हैं, आप जंगल है तो पहाड़ है तो वहाँ जानवर तो होंगे ही, तो मतलब वो गुफा पहाड़ के पीछे है पूरी तरह से, और जो पानी आपने बताया उसकी कोई वो नहीं है, लिमिट नहीं है, मतलब कितनी गहराई है वो पता भी, अंदाजा भी नहीं है, नहीं अंदाजा भी नहीं कितनी गहराई, मतलब उसके बारे में और अंदाजा बताया भी नहीं गया, आंकड़न में भी नहीं बताया गया वो अंदाजा, अंदाजे पॉइंट करेंगे उसको आप थोड़ा सा लिखावट को, मतलब लिखावट तो यहाँ से शो नहीं होगी, लेकिन आपको जो पत्थर दिख रहे होंगे सबसे ऊपर चट्टान टाइप में उसकी बात कर रहे हैं, वहाँ पे लिखावट है पूरी पूरी, हाँ वहाँ पे लिखावट है, और जो चक्र वगैरह जो उनके शेष पाए गए हैं वो भी यहीं पे पाए गए हैं, पूरा बताया जैसा उन्होंने कि यहीं पे पाए गए हैं, अभी भी हैं शायद, है ना, ऊपर जाने में दिखते हैं वहाँ पे, दिखेंगे हाँ। तो चलिए काफी हिस्टोरिकल प्लेस है ये, जैसा कि अंकल जी ने बताया, यहाँ पे कोई भी मूर्ति नहीं बची है अब, और अभी फिलहाल जो मूर्ति हमने दिखाई एक ही मूर्ति यहाँ पे बची है, और एक मूर्ति भटनवारा जो माता टेम्पल है वो यहीं की मूर्ति थी, है ना, यहीं की मूर्ति, मतलब यहाँ पे सभी का स्थान था, बौद्ध बस का नहीं सभी का स्थान था, है ना, तो सभी मूर्तियाँ जा चुकी हैं यहाँ, सभी बाहर जा चुकी, बाहर जा चुकी हैं, ये जो कुछ है तो ये स्तूप का आकार है, ये पूरा टीला, ये टीला, ये जो आकार है पूरा केवल स्तूप का आकार बस है, जो बना था वो निकाल ले गए यहाँ से, ऊपर का भाग ले गए हैं, सिर्फ आपको मतलब केवल स्पेस बस बचा है यहाँ। तो अंकल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने यहाँ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी, बहुत अच्छा लगा हमको यहाँ पे आने में, वैसे आप ये जानकारी सभी को देते हैं कि जो आकर पूछता है, नहीं जो आकर कर पूछते हैं उनको, मतलब जो इंटरेस्टेड होते हैं उन्हीं को बताते हैं सब, वैसे यहाँ पे तो प्लेस तो ऐसा है कि टूरिस्ट प्लेस है, सभी आते हैं यहाँ पे, मतलब अच्छा लगा देखकर मुझे भी, एकदम शांति है यहाँ पे, बिल्कुल सुकून है, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, फैमिली के साथ भी आओ, फ्रेंड के साथ भी आओ, बस ये जो हिस्टोरिकल यहाँ का था वो बचा नहीं है, अब सिर्फ आप घूमने आ सकते हैं, तो गाइस जैसा यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है तो आप लोग आ सकते हैं यहाँ पे। हाँ ऊपर जो दिख रहा है यहाँ पे राजा लोगों का शिकार गृह था, यहाँ से शिकार करते थे बैठकर। तो अंकल जी ये 400-500 वर्ष पुराना है। तो राजा शिकार यहाँ से करते थे बैठ के।
लगा आपको व्यू कमेंट करके जरूर बताएं। और यहाँ की जितनी भी इन्फॉर्मेशन मिल सकती थी हमने पूरी इन्फॉर्मेशन आपको व्लॉग में बताई है। तो अविनाश जी आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? ये है कि बहुत ही सुंदर जगह है, ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, पूरा पहाड़ी एरिया है और लाजवाब है यार।